भाई साहब वॉर टू 2025 की बहुत बड़ी मूवी होने वाली है, नो डाउट, क्योंकि इस मूवी से जो प्रॉमिसेस आ रहे हैं बहुत बहुत बड़े बड़े प्रॉमिसेस आ रहे हैं, और जो इसमें फैक्टर्स जुड़ने वाले हैं यानी जूनियर एनटीआर और ऋतिक रोशन, भाई ये डेडलिस्ट कॉम्बो यानी ये वर्सेस फाइट यानी आमने सामने की इस लड़ाई के लिए लोग बेहतरीन तरीके से वेट कर रहे हैं, क्योंकि ये वो वाला सिनेरियो जनरेट हो जाएगा जब हमने पठान में जिम वर्सेस पठान देखा था यानी जॉन अब्राहम वर्सेस शाहरुख खान देखा था। अगर भाई साहब वैसा वाला सिनेरियो ये मोमेंट क्रिएट कर देते हैं, और सिर्फ यही नहीं भाई, बात र्यूमर्स और बातें ये भी चल रही हैं कि इससे भी बेहतरीन वाला हिसाब किताब देखने को मिलेगा, क्योंकि जूनियर एनटीआर के लिए भाई कौन वेट नहीं करता, मासी मूवीज बनाने वाला ये सुपर खिलाड़ी है। देन उसके बाद ऋतिक रोशन बाबा अपने एक्टिंग के तो बाप है ही हैं, देन उसके बाद ये रियल एक्शन का जो तड़का लगाते हैं अपनी मूवी में वो हम वॉर में देख कर आ चुके हैं, और वॉर टू में एज कबीर मेजर कबीर भाई फुल ऑन फायर मोड में चल रहा है, क्योंकि भाई साहब शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है। अभी मुंबई के किसी एक्शन शूटिंग में खून से लथपथ अपने ऋतिक रोशन बाबा देखने को मिल रहे हैं, जो भाई रियलिस्टिक यानी रियल एक्शन पे बहुत जोर देते हैं। लाइक टॉम क्रूज अगर आपको याद है तो हॉलीवुड मूवीज में भाई वो रियल एक्शन ही करता है, कोई ऐसा बॉडी डबल वाला कोई हिसाब किताब देखने को नहीं मिलता है। सेम ऋतिक रोशन से भी एक्सपेक्ट करा जाता है और उतना ही ये खरा उतरता है, भाई दमदार लुक आ रहा है, और वॉर टू के लिए अभी से इतना एक्साइटमेंट हो चुका है उसके लिए, क्योंकि मास के मामले में एक्शन के मामले में ये बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले हैं। जो फीडबैक वॉर से मिला है वॉर टू में उससे बेहतरीन ही चाहिए, और उससे ऊपर वाला ही हिसाब किताब ये लोग सेट करके देंगे हमको। देन उसके बाद भाई जूनियर एनटीआर को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है एज इंडियन एजेंट, भाई ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है वायरफ की तरफ से, जिनको नाम दिया गया है एजेंट तारक, जो भी है खैर आप लोग प्रोनाउंस कर लेना, फिलहाल मैं एजेंट तारक ही मान के चल रहा हूँ। लिटरली भाई साहब इस डेडलिस्ट कॉम्बो के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि जूनियर एनटीआर को हमने मास में देखा है भाई साउथ की मूवीज में, भाई ट्रिपल आर कैसे बोल सकते हो आप, ट्रिपल आर में जो एक्शन देखने को मिला था, जो जोड़ी हिसाब किताब देखने को मिला था रामचरण और उसके साथ, भाई शुरू में लग रहा था कि ये दोनों आपस में भिड़ने वाले हैं, लेकिन भाई ये तो दोस्त निकलते हैं, वही चीज़ की सामने ये बंदा एज एजेंट निकलेगा, तो हो सकता है स्टार्टिंग में ये दोनों एक साथ हों, या फिर स्टार्टिंग से ही ये दोनों आमने सामने एक दूसरे के खिलाफ हों, क्योंकि कुछ ना ऐसा सिनेरियो जरूर जनरेट होगा कि एक बार के लिए ये दोस्त होंगे लेकिन बाद में ये जानी दुश्मन कैसे बने कैसे नहीं बने वो तो खैर बाद में ही पता चलेगा। फिलहाल अभी ढेर सारी प्रिडिक्शंस हैं और उन प्रिडिक्शंस को हाँ बोलना भी उतना कोई जायज बात नहीं है। तो भाई इस कॉम्बेट के लिए भाई सिंगल कॉम्बेट में कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा भाई दोनों ही दमदार हैं, दोनों के लिए वेट है। देन वॉर टू के बजट की अगर बात करें तो वॉर टू 200 करोड़ के भारी भरकम बजट में इसको बनाया जा रहा है, जो कमाई कितनी कर सकती है, क्या पठान जवान की तरह, भाई जवान छोड़ो वायरफ की पठान की तरह 1000 करोड़ ठोक के जा सकती है, इजिली ठोक के जा सकती है, क्योंकि इसमें कैपेसिटी है, पोटेंशियल है। भाई कबीर सिंह मेजर कबीर सिंह के लिए कौन तैयार नहीं है, यानी ऋतिक बाबा के लिए कौन तैयार नहीं है, देन जूनियर एनटीआर भाई एजेंट तारक इसके लिए कौन तैयार नहीं है। अभी से ये मूवी इतनी हाइप क्रिएट करके चल रही है तो 2025 में जब ये रिलीज होगी साक्षात हमारी आंखों के सामने ये दोनों स्टार आएंगे बड़े पर्दे पर तो गूज़बम्प्स का तो कोई हिसाब किताब ही नहीं सेट होगा, क्योंकि म्यूजिक एंड बीजीएम की अगर बात करें तो प्रीतम दास इसमें म्यूजिक दे रहे हैं जो बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करते हैं। पठान में आपने अगर म्यूजिक देखा होगा तो भाई बहुत ही दमदार म्यूजिक था, लेकिन जवान का म्यूजिक मुझे भाई डिसअपॉइंट करके गया था। हाँ बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं, बैकग्राउंड म्यूजिक दमदार था, और ऐसी एक्शन मूवीज में भाई अगर बैकग्राउंड म्यूजिक दमदार रहेगा तो वो सेंस बनाता है भाई, फील करता है, वो टच करके जाता है ऑडियंस को, और पठान में वैसा हिसाब किताब देखने को मिला था। और प्रीतम दा भाई म्यूजिक के मामले में ये बंदा कॉम्प्रोमाइज तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। देन बात वीएफएक्स डिजाइन की करें तो वीएफएक्स में वायरफ वाले अपने ही प्रोडक्शन हाउस यानी अपने ही घर से ये वीएफएक्स देते हैं, यानी वाईएफएक्स के द्वारा इसमें वीएफएक्स डिजाइन दिया जाएगा, जो पठान में दिया गया था, जो टाइगर 3 में भी वही वीएफएक्स दिए गए थे, लेकिन 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 भाई थोड़ा सा इंप्रूवमेंट मांगता है, यानी पठान में जो वीएफएक्स का हिसाब किताब था वो उतना हिट करके नहीं गया था, तो अपन को थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट मांगता है कि वॉर टू में दमदार वीएफएक्स होने चाहिए, और ये मूवी कितना बिजनेस करके जा सकती है भाई, मैं मान के चल रहा हूँ 1000 करोड़ इसके लिए चुटकियों का खेल है, आपको क्या लगता है। बाकी यहाँ तक पहुँच गए हो तो यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, तो एक लाइक, बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं अगली वीडियो पर।